इस वीडियो में हम क्वार्डिनेट जोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करेंगे साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला और इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्टेंस फार्मूला के बेस कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते नमस्कार दोस्तों विद्या इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु दोस्तों अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अब देखिए जैसा कि आप क्लास नाइन्थ में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दैट हाउ टू लोकेट ए पॉइंट ऑन ए प्लेन किसी भी पॉइंट को हम किसी प्लेन like पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फॉर दिस वी रिक्वायर्ड ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइक दिस यहाँ पर देखिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस अगर हम किसी प्लेन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लें तो किसी भी पॉइंट को हम उस प्लेन पे लोकेट कर सकते हैं और जहां पर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओ दैट इज ओरिजिन और उसके कोऑर्डिनेट हमेशा होते हैं जीरो कोमा जीरो ठीक है इतना हम क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं अब मान लीजिए ये एक पॉइंट है पी तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो यहां पर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एफसीशा यहां पर देखिए नाउ दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस एंड विच इज एक्स कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होती है एक्स और ये होता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगेन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट यहां पर देखिए नाउ दिस इज द डिस्टेंस

थ्री कॉमा जीरो फोर कॉमा जीरो एंड सो ऑन इस एक्सिस पे इस लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म में होंगे साथ ही साथ ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑन वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म जीरो कॉमा वाई यहां पर देखिए वाई एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो जीरो कॉमा वाई के फॉर्म में होंगे यहां पर इसका कोऑर्डिनेट होगा जीरो कॉमा वन जीरो कॉमा टू एंड सो ऑन सारे कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो जीरो कॉमा वाई के फॉर्म में होंगे ठीक है साथ ही साथ हम ये भी पढ़ चुके हैं दैट इफ वी रिप्रेजेंट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिव्स अ स्ट्रेट लाइन यानी इस तरीके की इक्वेशन दैट इज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए एंड बी आर नॉट साइमेंटेनियसली जीरो इस तरह की इक्वेशन अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन पर रिप्रेजेंट करें तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है यहां पर देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स और ये एक लीनियर इक्वेशन है दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट अब इस ग्रीन लाइन पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो वाई इज इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई करेंगे यहां पर देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वन कॉमा वन ये है यहां पर टू कॉमा टू तो इस लाइन पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो वाई इज इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई करेंगे और इस लाइन पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट को सेटिस्फाई करेंगे यहां पर देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहां पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा सिक्स और इसका y कोऑर्डिनेट होगा टू दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू एट तो इस लाइन पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे सो एनी टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दैट बी वाई प्लस इक्वल टू जीरो बी आर नॉट साइमेंटेनियसली जीरो गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ये भी हम क्लास नाइन्थ में डिस्कस कर चुके हैं नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज मान लीजिए ये एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 ये एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये एक पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट है x3 y3 ना हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q एंड Q एंड R एंड P एंड R अगर हमारे पास किन्हीं दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो उन कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हम उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला तो चलिए जल्दी से इसको सीख लेते हैं जल्दी से इसको समझ लेते हैं नाउ विल डिस्कस डिस्टेंस फॉर्मूला अब मान लीजिए यहां पर कोई दो पॉइंट्स हैं P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 ठीक है अब इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है अब अगर हम पी क्यू लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाल लें तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी ठीक है नाउ ड्रॉ पी आर एंड क्यू एस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तो ये हमने ड्रॉ कर लिया पी आर एंड क्यू एस ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है एंड ड्रॉ टी ऑन क्यू एस अब यहां पर क्यू एस पे एक पॉइंट लेंगे टी सच परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो वो पॉइंट पी से होके जाए ठीक है अब यहां पर देखिए यहां पर हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया दैट इज ट्राइंगल पी क्यू टी यहां पर देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया अब हम थ्योरम की हेल्प से पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे लेकिन पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमें पी टी और क्यू टी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए चलिए ना ओ आर यहां पे देखिए दिस इज ओ आर अब ओ आर की वैल्यू क्या होगी तो जैसा मैंने बताया द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट तो ओ आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स वन एंड ओ एस ओ एस की वैल्यू क्या होगी अगेन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोडिनेट देर फो ओ एस इज इक्वल टू एक्स टू ठीक है तो यहां पे ओ आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स वन और ओ एस की वैल्यू हो जाएगी एक्स टू तो आर एस की वैल्यू क्या होगी आर एस की वैल्यू होगी एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है एंड दैट इज इक्वल टू टी यहां पर देखिए आर एस की वैल्यू पी टी के वैल्यू के बराबर हो जाएगी ठीक है अगेन एस क्यू यहां पर देखिए एस क्यू की वैल्यू क्या होगी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड दी दाई कॉर्डिनेट देक्स क्यू इज इक्वल टू वाई टू एंड एस टी इज इक्वल टू पी आर यहां पर देखिए एस टी इज इक्वल टू पी आर एंड पी आर इज इक्वल टू वाई वन अब देखिये यहां पर हमारे पास क्यू एस की वैल्यू है एस की वैल्यू है तो क्यू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू टी की वैल्यू हो जाएगी वाई टू माइनस वाई वन तो यहां पर देखिए हमारे पास पी टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स टू माइनस और क्यू टी की वैल्यू हो जाएगी वाई टू माइनस वाई वन तो अब हम पैसा थ्योरम की हेल्प से पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं नाउ, इन राइट एंगल ट्राइंगल पीटी क्यू बाई पैथागोर थे माइनस एक्स वन एंड क्यू टी इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन तो ये हो जाएगा X2 टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस Y2 टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर ठीक है देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर यानी अगर हमारे पास किन्हीं दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हों तो इस फॉर्मूला की मदद से हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं नाउ दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला अब दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए दैट वी ऑलवेज कंसिडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन निगेटिव अब मान लीजिए यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ नाइन अब स्क्वायर रूट ऑफ नाइन की वैल्यू है प्लस थ्री एंड माइनस थ्री तो हम माइनस थ्री वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो नॉन निगेटिव होती है ठीक है नाउ दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर और ऐसा क्यों क्योंकि यहां पर देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर करें या एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर करें उसकी वैल्यू हमेशा एक ही आती है मान लीजिए यहां पर एक्स वन की वैल्यू है फोर और एक्स टू की वैल्यू है एट तो एट माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर माइनस एट का होल स्क्वायर यहां पर देखिए एट माइनस फोर इज इक्वल टू फोर स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा माइनस फोर स्क्वायर ये भी हो जाएगा सिक्सटीन और ये भी हो जाएगा सिक्सटीन ठीक है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर या आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर तो इस तरीके से आप किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं अब मान लीजिए आपको किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो ओरिजिन से पॉइंट ओ से नाउ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन ओ जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं जीरो कॉमा जीरो यहां पर एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई अब ओ पी की वैल्यू क्या होगी बहुत ही सिंपल है इसके कोऑर्डिनेट है जीरो कॉमा जीरो तो इसी डिस्टेंस फार्मूला में आप इनकी वैल्यू रख दीजिए देखो ओ पी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर यहाँ पर एक्स टू है एक्स और एक्स वन है जीरो वाई टू है वाई और वाई वन है जीरो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है तो समझ में आ गया आप लोगों को तो दोस्तों ये होता है डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला में इतना ही अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला पे भी एक पूरी एक्सरसाइज है और इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं